यमन में एक कैंप पर सऊदी हवाई हमलों में कम से कम 40 लोगों के मारे जाने और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। अल मजराक नामक कैंप में 5,000 लोग रहते हैं और हज्जा प्रांत में 2001 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश में एक और ब्लॉगर की हत्या का मामला सामने आया है। ब्लॉगर वशीकुर रहमान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। एक महीने पहले बांग्लादेश में ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या का मामला सामने आया था। मदरसे के 2 छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ढाका में लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किए। ट्यूनीशिया में सरकार ने बोडो आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला कर 9 चरमपंथियों को मार गिराया है। मरने वालों में एक आतंकवादियों का कमांडर भी शामिल है। ट्यूनीशिया के गृह मंत्री ने एक वीडियो जारी कर घटना की जानकारी मीडिया को दी। सरकार ने ये कार्रवाई बोडो आतंकवादियों द्वारा 18 मार्च को यहाँ के संग्रहालय पर हमले के जवाब में की है। इस हमले में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर विदेशी पर्यटक थे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर नई शर्तों को स्वीकार कर सकता है, पर वो परमाणु हथियार बना सकने वाली प्रौद्योगिकी पर लगाई जाने वाली बंदिशों पर पीछे हट रहा है। शुरुआती समझौते के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है, जो एक व्यापक करार की दिशा में वार्ताओं के दौर के लिए मंच तैयार करेगा। ईरान के साथ चल रही वार्ता पर मंगलवार तक सफलता मिलने की गुंजाइश है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ऑलमर्ट को भ्रष्टाचार के एक और मामले में दोषी करार दिया गया। ये मामला अमेरिका के एक व्यवसायी से गैर कानूनी ढंग से धन प्राप्त करने का था। वे भ्रष्टाचार के एक मामले में पहले ही 6 वर्ष की सजा भुगत रहे हैं। यरूशलम की जिला अदालत ने वरिष्ठ राजनीतिक एहुद को आरोप से बरी करने का 2012 का फैसला पलट दिया। वे 2006 से 2009 तक इसराइल के प्रधानमंत्री थे।